एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स ब्यूटी ब्लॉगी। और आज का वीडियो होगा एक बहुत ही अच्छा हेयर मास्क का रिव्यू एंड डेमो। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे हेयर बहुत ही अभी मुझे अच्छे लग रहे हैं। इवन कि खुद में फील होता है कि थोड़े शाइनी हो जाते हैं और सिल्की टाइप से लगते हैं। तो इसके लिए मैंने जो यूज किया हुआ है, अभी मैं अप्रोक्स 3 से 4 वीक से यूज कर रही हूँ, वो है ये। तो ये है एक्टी का हेल्थी रूट्स हेयर मास्क। और इससे पहले मैंने इसका शैम्पू भी बताया हुआ था रिव्यू में, शैम्पू विथ हेयर मास्क में यूज कर रही हूँ एक्टी का। इस सीजन में आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे मेरे भी हो रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ न्यू यूज किया जाए। तो बहुत ज्यादा मतलब सर्च करने के बाद आपको सल्फेट फ्री एंड ऑर्गेनिक ढूंढते हैं, मीन्स नेचुरल, जिसमें कि पैराबिन भी ना हो, तो उसमें आपको ये जरूर से दिख जाएगा। और ये है एक्टी का हेयर मास्क। और एक्टी ब्रांड बहुत ही अच्छा है, जो कि आपके स्किन केयर एंड हेयर केयर के प्रोडक्ट को बनाता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, इसका जो मास्क है वो इस तरह के कंटेनर में आता है, इंस्टॉल लाइक पैकेजिंग है इसकी। ये व्हाइट इन कलर का है एंड ये प्लास्टिक का डब्बा है, और ये इसका गोल्डन कलर का स्क्रू कैप दिया हुआ है इसमें। और इसका जो नेम है वो है एक्टे हेल्दी रूट्स हेयर मास्क, मीन्स आपके रूट को ये हेल्दी बनाता है, स्ट्रांग करता है। ये जिंजर एंड ओनियन दोनों दिया हुआ है इसमें, जो कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। वैसे भी आप सभी को पता है कि ओनियन एंड जिंजर हमारे हेयर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इवन अगर आपके नॉर्मल भी हेयर फॉल होते हैं तो आप ओनियन ऑयल यूज करते हैं, तो ये आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है एंड हेयर फॉल को कम करता है। अब देखिए इसके बेनिफिट क्या है, मीन्स आप इस मास्क को यूज करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होंगे, उसके लिए दिया हुआ है इसमें एक्टी हेल्दी रूट्स ओनियन जिंजर हेयर मास्क सॉल्व्स ऑल योर हेयर प्रॉब्लम। जिंजर एक्सट्रैक्ट होते हैं, वो आपके हेयर के मीन्स स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिसके कारण कि आपका हेयर स्ट्रांग होता है रूट से। एंड ओनियन इसमें है, ओनियन आपके जो हेयर है उसमें सल्फर प्रोवाइड करता है, जिसके कारण कि आपका हेयर स्ट्रांग होता है एंड थिक होता है। और इससे क्या होता है, आपका हेयर लॉस प्रिवेंट होता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। एंड ये मास्क जो है ना, वो आपके जो हेयर फॉलिकल है उसे स्टिमुलेट करता है एंड ग्रोथ को इनहांस करता है। जैसे कि बहुत के हेयर बहुत पतले टाइप से होते हैं, बट अगर आप इस मास्क को यूज करते हैं तो आपके जो हेयर है ना, उसे ये फुलर लुक देता है, मीन्स बहुत ज्यादा ये फुला फुला सा लगेगा, तो आपके हेयर थिन नहीं दिखते हैं। चलिए इसको मैं दिखाती हूँ, इसका टेक्स्चर किस तरह का है। जब आप इस तरह से स्क्रू कैप है इसका तो ओपन करते हैं, तो आपको एक और कैप यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए प्लास्टिक व्हाइट कलर का दिया हुआ है। नेक्स्ट में आपको इस तरह का प्रोडक्ट दिखता है, ये आप देख सकते हैं, मेरा बहुत ज्यादा ये खत्म हो चुका है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल मतलब क्रीमी टाइप में है, व्हाइट इन कलर का है, इस तरह का आप देख सकते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है, मीन्स फ्लावरी टाइप का स्मेल है इसका। वैसे देखिए, कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो जरूरी नहीं कि जो किसी एक पे सूट कर गया वो आपको सूट कर ही जाए, तो इसमें वो भी दिया हुआ है कि रिजल्ट में वैरी, मीन्स सब पे अलग अलग ये काम करता है। और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 24 मंथ, मीन्स 2 ईयर्स तक आप इसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसकी जो क्वांटिटी है वो 200 ml है इसमें दिया हुआ, एंड इसकी प्राइस है 599 रूपीज, मीन्स अप्रोक्स 600 रूपीज। बट ये आपको ऑनलाइन अगर आप लेते हैं तो कम प्राइस में मिल जाएंगे, ये आपको अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट कहीं भी मिल जाएंगे। इसे मैंने अमेजन से ही लिया हुआ है, बट जब भी आप परचेज कीजिए ना, तो आप मीन्स फ्लिपकार्ट या फिर इधर अमेजन सब पे देख लीजिए, क्योंकि प्राइस ना वैरी करते रहता है इसलिए। नेक्स्ट, जैसा की मैंने आपको बताया कि इसमें इन्ग्रीडियंट बहुत ही अच्छे नेचुरल दिए हुए हैं, तो इसमें आंवला भी दिया हुआ है, ओनियन ऑयल है, जिंजर एक्सट्रैक्ट है, करी लिप्स एक्सट्रैक्ट है। यस, यू नो करी लिप्स भी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं आपके हेयर के लिए, तो पता ही होगा। नेक्स्ट इसमें रेडिस रूट एक्स्ट्रा, ब्राह्मी है, सिकाकाई, हिबिस्कस, आमला, मतलब जितना भी है ना, जो भी हेयर के लिए होते हैं ना, वो सभी इंग्रेडिएंट्स में दिए हुए हैं। और इसमें मेन दिया हुआ है नो सिलिकॉन, नो सल्फेट एंड नो पैराबिन्स, ठीक है, तो कुछ भी हार्मफुल केमिकल्स इसमें नहीं दिखेंगे। आप डायरेक्शन ऑफ यूज में दिया हुआ है कि आप किस तरह से यूज कीजिएगा। सबसे पहले अपने हेयर को आप वॉश कर लीजिए, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वाटर है ना हेयर में, उसे आप स्क्वीज कर लीजिए, निकाल लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मास्क लेना है और टिप से इस तरह से अप्लाई कर लेना है अपने हेयर पे, और जो भी आपके हैंड में बच गया उसको आप इस तरह से रूट पे, मीन्स ऊपर में भी थोड़ा सा अप्लाई कर लीजिए। स्कैल्प में प्रॉपर अप्लाई नहीं करना होता है इसे, बस ऊपर ऊपर हेयर पे ही अप्लाई करना होता है हेयर मास्क को। और फॉर इंटेंसिव केयर में दिया हुआ है कि अगर आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए इस मास्क का, तो मास्क अप्लाई करने के बाद ना आप एक टॉवल लीजिए, उसको गर्म पानी में डाल दीजिए, उसको जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे निकाल के अपने हेयर पे लपेट लीजिए, अच्छी तरह से रैप कर लीजिए उस टॉवल को, और उसे 20 मिनट तक अपने हेयर पे रहने दीजिए, फिर आप अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। इससे ये दो वे में आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है,
ओनली ये मास्क एंड शैम्पू ही यूज किया हुआ है। इवन मैं स्ट्रेट भी नहीं किया हुआ है हेयर को, एयर ड्राई होता है, नेचुरल ड्राई भी मैंने हेयर को किया हुआ है, बट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये मास्क, तो मैंने सोचा आपके साथ जरूर से रिव्यू शेयर करना चाहिए कि ये अगर आप यूज करते हैं तो आपको भी ये जरूर से बेनिफिट देगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है हेयर मास्क। और ये थोड़ा बहुत कॉस्टली है बट ये वर्थ बाइंग होगा। और ये जो मास्क है ये आप इसे बहुत, मतलब बहुत ज्यादा इसकी क्वांटिटी है एक्चुअली, क्योंकि मास्क बहुत ज्यादा आपको अप्लाई नहीं होता हेयर पे, वैसे आपकी लेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर लॉन्ग हेयर होंगे तो थोड़ा ज्यादा होता है, बट अगर शॉर्ट होंगे तो आपको थोड़ा ही अप्लाई होता है, ये बहुत टाइम तक टिकेगा भी। सो ये मास्क बहुत अच्छा है, आप इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप चाहें तो मीन ज्यादा बेनिफिट के लिए तो आप ये वाला शैम्पू भी यूज कर सकते हैं एक्टी का, बट अगर नहीं भी तो ये मास्क तो आप जरूर से लीजिए और यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने ये मास्क यूज किया हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। एनीवेज मुझे बहुत पसंद आया। सो ये था हमारा आज का वीडियो और मेरा एक्सपीरियंस विद दिस मास्क। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।